बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना में आगमन होने वाला है 13 मई से, और इसको लेकर लगातार राजनीति हलचल तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप स्पष्ट है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ से गर्व से चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तानी का स्पष्ट मतलब ये होता है कि हम भारतवासी हैं। इसमें कहीं भी विवाद नहीं है, कोई राम कहता है कोई राहिब कहता है, लेकिन सियासत जो है गरमाया है। कुछ है मुट्ठी भर नेता आज देखते हैं कि दोनों तरफ से लोग गरमाते हैं। अरे इसमें इसमें रोटी सेकने की क्या जरूरत है? इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? इसमें तो सबको मिलजुल कर बागेश्वर धाम वाले जो हमारे आचार्य जा रहे हैं उनको हम लोग स्वागत करें, हम उनको बात को सुनें, क्योंकि वो कोई राजनीति के उनका मुद्दा नहीं है। उनका एक ही मुद्दा है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषणा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ एक तरफ राजनीति गरमाई, वहीं पर इसी बीच में जो बरसों से विवाद चला रहा था मजार को लेकर, इसी समय उसका स्थानांतरण। देखिए, ये तो हमारी कलेक्टर से परसों बातचीत भी हुई थी। ये नहीं है कि आज मजार को वो ध्वस्त किया गया तो अगर वहां हिंदू का अगर कोई मंदिर होगा तो ध्वस्त नहीं होगा, वो भी ध्वस्त होगा, क्योंकि यातायात अगर बाधित जहां भी होगा तहां शासन और प्रशासन का वहां काम है कि वहां जो यातायात को ठीक करे।